नमस्कार इन बीसीएन के दर्शकों का आज इस बहुत ही पवित्र दिन और पवित्र क्षण पर हम स्वागत करते हैं। कुछ ही देर पहले, कुछ ही क्षण पहले आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री महोदय द्वारा श्री राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ, जिस तरह से अयोध्या नगरी पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजी थी, उसी तरह नागपुर नगरी भी आज ये उत्सव मना रही है। और उत्सव की जो हम परिप्रेक्ष्य में हम सीधा चलते हैं नागपुर के पोद्दार श्रावर राम मंदिर में, जहां पर ये उत्सव जो है शिलान्यास का, वहां पर भी जोर शोर से मना रहे हैं। वहां पर हमारे संवाददाता स्वप्निल बुंदाड़े कैमरा पर्सन सुभाष के साथ में मौजूद है। स्वप्निल, हमें दृश्य दिखाइए वहां के पोद्दारेश्वर राम मंदिर के, किस तरह से भक्तिभावपूर्ण वहां का वातावरण है। और ये बहुत ही जल्लोष की बात है कि आज शिलान्यास जो है 12:44 और 8 सेकंड पर प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा वहां पर संपन्न हो चुका है। सर, जिस तरह में अयोध्या में जो है सुबह से ही भजन कीर्तन चालू था, उसी तरह ठीक पोद्दारेश्वर राम मंदिर जो है नागपुर का, यहाँ पे भी सुबह से भजन कीर्तन चालू था। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले जो है भजन कीर्तन खत्म हुआ है, आप देख सकते हैं। जी, हम लोग अभी मंदिर के अंदर ही आ चुके हैं। मंदिर में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सवेरे से ही जो है बहुत ही भक्तिपूर्ण वातावरण है वहां का। हाँ जी, सब हो चुकी है और जो भक्त आ रहे हैं उन्हें धीरे धीरे तरह से जो है सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ जो है दर्शन करने के लिए दर्शन का अवसर दे रहे हैं। और दर्शकगण जो देख रहे हैं यहाँ पर पोद्दारेश्वर राम मंदिर का बहुत ही लुभावना दृश्य है। जी, राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है, उसका जो जल्लोष है वो इस पोद्दारेश्वर राम मंदिर में भी दिखाई दे रहा है। रात में आपने देखा होंगे कि जिस तरह से रात में रोशनी यहाँ पे की गई थी, साथ ही साथ हाँ दिन भर का जो इनका प्रोग्राम था वो भी बहुत अच्छी तरह से, कैसे इनका भजन कीर्तन चालू होने वाला था। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है और जो श्रीराम पाठ जो है वो भी हो चुका है। और देखा जाए एक तरफ से तो जो राम नवमी के दिन जो उत्सव पोद्दारेश्वर राम मंदिर या फिर जो बोला जा सकता है कि आशिया खंड की सबसे बड़ी जो शोभा यात्रा है, वो शोभा यात्रा राम नवमी की शोभा यात्रा इस साल नहीं निकली है जी, तो कोरोना के पार्श्व पर, COVID-19 की पार्श्व पर वो नहीं हो पाई थी। हाँ जी, तो इसी का जो है ना इस तरह से ये आज का जो पर्व है ये बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा स्वप्निल जी, जिस तरह से रामनवमी का पर्व हम लोग मना नहीं पा रहे थे, लेकिन आज ये जो घटना है ये ऐतिहासिक घटना जिसमें रामनवमी की जो उस वक्त की जो कमी थी, उस कमी को आज पूरा नागपुर ने किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश जरूर की है। मन में भक्तिभाव हो तो ये सारी इच्छाएं जो श्री राम के आशीर्वाद से पूरी होती नजर आ रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से वहां का जो दृश्य है पोद्दारेश्वर राम मंदिर का हमारे दर्शकगण देख रहे हैं, बहुत ही सुशोभित वहां की मूर्तियां, वहां पर भक्तिभावपूर्ण वातावरण जो है। हम कहेंगे हमारे कैमरा पर्सन सुभाष से कि वो फिर से एक बार वो दृश्यों को दिखाए जहां पर राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी की मूर्तियां जो है वहां पर स्थापित की गई हैं और साजो श्रृंगार के साथ में इस वक्त जो है दर्शन जो है दीन बिशन के दर्शक जो है इस तरह से हमारे माध्यम से पोद्दारेश्वर राम मंदिर के जो श्री राम लक्ष्मण सीता के जो है दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। बेहद ही भक्तिपूर्ण वहां का वातावरण है। और बता दें कि आज शिलान्यास के पार्श्व पर पूरे तरह से मंदिर को जो है उसके ऊपर में रोशनी की गई। रात का दृश्य जहां सुहावना था, वहीं आज सुबह से यहां पर पूजा अर्चना की शुरुआत की गई और वहां पर अखंड नाम का पारायण भी वहां पर किया, श्री राम नाम का जाप वहां पर किया गया। और जैसे कि 12:44 और 8 सेकंड पर भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने अयोध्या में शिलान्यास किया, वही जोशपूर्ण वातावरण जो है पोद्दारेश्वर राम मंदिर और नागपुर के सड़कों पर भी देखा गया। स्वप्निल की तरफ चलते हैं। हाँ स्वप्निल बताइए। हाँ सर, बोले सर, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्पेशली कहा जा सकता है कि पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे जिस तरह से रामनवमी के दिन पूरे भारतवर्ष में रामनवमी नहीं मनाई गई थी, पर आज यह मौका है कि यहाँ पे जो है इस तरह की रामनवमी जो है वो आज कहीं ना कहीं बनाते हुए दिख रहे हैं जी। सभी पूरे नागपुर वासियों ने जो है कहीं ना कहीं इस बार के रामनवमी को मिस किया था। वो यादें जो थी हर साल की तरह जो रामनवमी का उत्सव नागपुर में होता है उसे वो पूरे भारत में या कहे तो पूरे जहाँ जहाँ लोग श्री राम जी का अनुनय करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन सभी में नागपुर की जो शोभा यात्रा होती है, नागपुर का जो उत्सव होता है रामनवमी का, वो अपने आप में एक मिसाल है। और वो जो कोरोना के पार्श्व में इस बार नहीं हो पाया था, तो आज वो क्षण है कि इस क्षण में उस जो एक कमी रह गई थी उस कमी की पूर्ति कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। स्वप्निल जी, जी 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 वहां पे कुछ पदाधिकारी गण होंगे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे।
सर अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है पदाधिकारी जो है वो निकल चुके हैं, पर जी कार्यकर्ता जो है जो हमसे बात करना चाहते थे, हम दिखा देते हैं कि इस तरह से कार्यकर्ता थोड़ी देर में हमारे पास हमारे से जुड़ जाएंगे, तो हम आपसे और जुड़ते हैं रत्नाकर जी। जी तो ये थे हमारे स्वप्निल बुंदाड़े कैमरा पर्सन सुभाष के साथ में, जो इस वक्त बात कर रहे थे हमारे साथ में पोद्दारेश्वर राम मंदिर से। वहां पे जो है चाक चौबंद व्यवस्था भी की थी, बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे जो है एक उत्सव का वातावरण वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत ही सादगी से और सोशल डिस्टेंसिंग का और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग वहाँ पर राम जी के, सीता जी के और लक्ष्मण और हनुमान जी के दर्शन करने वहाँ पर पहुँचे। मौका है अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास का, जहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा कुछ ही देर पहले 12:44 और 8 सेकंड का ये जो मुहूर्त था, अभिजात मुहूर्त था, इसे सभी महंतों द्वारा एक साथ निश्चित किया गया था और पूरा भारत देश इसका साक्षी रहा है। और एक उत्सवपूर्ण वातावरण, एक ऐतिहासिक क्षण, एक ऐतिहासिक पल और एक ऐतिहासिक दिन आज भारत के इतिहास में जो है इस ये सम्मिलित होगा। एक संघर्षपूर्ण लड़ाई के साथ आज श्री रामलला की जो मंदिर की नींव जो है आज रखी गई है भारत के प्रधानमंत्री कर कमलों द्वारा, जहां पर 175 आमंत्रित वहां पर मौजूद थे। अयोध्या नगरी पूरी तरह से सजी हुई थी, नागपुर नगरी भी आज इसका साक्ष्य रही है। पूरे देश में जहां जहां पर महानगर है, गांव गांव में इस क्षण के सभी साक्षी रहे हैं। हम गजर सुन सकते हैं जहां पर स्वप्निल मौजूद है, किस तरह से वहां पर जो है पूजा अर्चना की जा रही है पर मौजूद है। और वहाँ पर जो पंडित जी है वहाँ पर उन्होंने सुबह से किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा आखी थी और किस तरह से वो इस आज ऐतिहासिक घटना का साक्षर है। बात करते हैं स्वप्निल से। हाँ स्वप्निल, बात कर रहे हैं पंडित जी। सर हमारे साथ अभी पंडित जी जुड़ रहे हैं। पंडित जी से हम पूछते हैं कि किस तरह से आज का माहौल। माहौल तो बहुत बड़ा होना चाहिए था, परंतु चूंकि आप हम सब जानते हैं जो प्राकृतिक प्रकोप या दैवी प्रकोप के कारण जो महामारी फैली हुई है, उस कारण से माहौल खूब अधिक नहीं बन पाया। फिर भी भगवान श्री राम की कृपा से इस नागपुर नगरी के राम जी के बहुत सारे भक्त हैं, खास करके इस पोद्दारेश्वर राम मंदिर से जुड़े हुए बहुत सारे भक्त हैं, जिन सबकी इच्छा थी आज के दिन आने की, परंतु जहां तहां प्रतिबंधित सड़क एरिया क्षेत्र घर आदि को देख करके भक्तों का आना बहुत कम हुआ है, नहीं कि बराबर ही आए हैं, और जो कुछ भी आए हैं सब सोशल डिस्टेंस के हिसाब से दर्शन करके चले गए हैं। यदि पूछते हैं माहौल की बात या आनंद की बात, तो आनंद का दिन तो वस्तुतः आज का दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाना चाहिए। बिल्कुल पंडित जी से ये भी कहिए कि कोरोना के पार्श्वभूमि पर सारी भारतवासी, सभी देशवासी, सभी विश्ववासी जो है सकुशल रहे, वो जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकले, इसके लिए भी प्रार्थना करें श्री राम जी के चरणों में। अथक प्रयास ये जाने वाले संतों के द्वारा, और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, मेरी मान्यता से उनका भी अथक प्रयास है, क्योंकि किसी भी देश का राजा थोड़ा सा धर्म को मानने वाले भी होना चाहिए, और जैसा कि हम सब जानते हैं आज अपने देश के जो प्रधानमंत्री हैं धर्म को मानते हुए चलते हैं। धर्म के बिना राजनीति नहीं है, धर्म के बिना राजनीति एकदम गंदी राजनीति। आज अभी से पहले जितने प्रधानमंत्री हुए उन पर दोषारोपण हम नहीं करेंगे, परंतु वो सब किसी सांप्रदायिक ताकत के डर के कारण धर्म को नगण्य मानते हुए राजनीति किए, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की धार्मिक सफलता नहीं मिली। परंतु आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो सांप्रदायिक ताकतों से प्रेम रखते हुए उन सब के साथ भी प्रेम बनाते हुए और इस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता से धार्मिक समस्या का समाधान किए हैं, जो आज हम सब भारतीय और न केवल भारतीय, सारे विश्व के हिंदू समाज के लिए जो आध्यात्मिक गरिमा कई वर्षों से लुप्त थी, उस लुप्त गरिमा को पुनः सबकी रुचि के अनुसार, सबके स्वीकृति के अनुसार, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ये प्राप्ति हुई है, तो सबके रुचि और सबके स्वीकृति के अनुसार उस गरिमा को प्राप्त किए हैं। और आज भारत में जो ये आध्यात्मिक जीत हुई हम सब मानवों की या सनातन धर्म अवलंबियों की, उनकी प्रशंसा पूरे संसार में हो रही है। ये सब भगवान श्री राम की ही कृपा है, इन्हीं की और कृपा से संभवतः कुछ वर्षों के लिए भगवान ने ऐसा धार्मिक द्वंद्व उत्पन्न कर दिया था, क्योंकि हम सब हिंदुओं में बराबर वर्षों से अनेकता होती आ रही है, मतलब के नहीं है, सब कुछ कुछ वर्गों में बट करके सारे हिंदू और नाना प्रकार के धर्मों का अवलंबन कर लिए, और आपसे वैमनस्यता कारण विदेशी लुटेरों से लूटते भी और धार्मिक आस्था पर भी चोट प्राप्त करते हैं, परंतु हम
सभी हिंदुओं से प्रार्थना करते हैं जो खास करके सब सनातन धर्म के अवलंबी हैं, उन्हें कभी भी अपने धर्म के प्रति किसी प्रकार का कुठाराघात हो तो उससे सहे नहीं, उसको मतलब पुनः हासिल करने के लिए या उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते रहे, धार्मिकमय वातावरण बनाते हुए मानव समाज में रहते हुए बढ़िया से जीवन व्यतीत करें और भगवान श्री राम से प्रेम बनाए रखें। जय श्री राम। मैंने प्रारंभ ही किया, भगवान यदि चाहे तो तुरंत ये कोरोना वायरस जो है समाप्त हो सकता है, परंतु संभवतः भगवान की भी इच्छा है, पर चूंकि मानव समाज दुनिया में एकदम से बहुत खराब हो गया है, मानव को दानव जैसे मानव का साथ के साथ व्यवहार कर रहा है, आप देखते ही हैं टेलीविजन में या अखबारों में किस प्रकार से हमारी बेटियां देश की, न कि देश की केवल बल्कि विदेश की भी बेटियों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार होता जा रहा है बरसों से, इस तरह से कई बेटियों को सब तरह का दुर्व्यवहार करके और जिंदा लटका दिया जाता है, क्या है उससे हमारे हिसाब से देवी प्रसन्न होती अप्रसन्न होती हमारे देश की, विश्व की जगत जननी अप्रसन्न होती है, चूंकि उनके ही अंश है हमारी बेटियां बहन बेटियां, उन सबका भरे समाज में किसी वृक्ष पर लटका दिया जाना मार करके उसके साथ नाना प्रकार का दुर्व्यवहार करना बलात्कार करना क्या है, इससे संभवतः महामारी के जननी जो है देवी है माता दुर्गा है और वो रूठ गई है, तो हम उनके लिए तो भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम लोग बहुत दिनों से प्रार्थना रोज प्रार्थना करते हैं अपने पूजा भगवान की पूजा के बाद, प्रभु इस वायरस जन्य महामारी को न केवल हमारे शहर से न केवल हमारे देश से पूरे विश्व से अतिशीघ्र दूर करें, चूंकि सब मानव समाज का कल्याण हो और खासकर इस नगरी के लोगों के मन में जो एक भय बना हुआ है उस भय को दूर करने के लिए ही प्रभु यथाशीघ्र महामारी कोरोना को दूर करें और उन सब की मानसिक शक्ति शक्ति बढ़ावे ताकि सरकार के आदेश अनुसार सरकारी इच्छा अनुसार सभी हिंदू समाज या जितने मानव है सब अपने अपने धर्म धार्मिक संस्थान में जाते हुए नित्य पूजा करके और अपने गृहस्थ जीवन को बढ़िया से व्यतीत करें, यही हमारी प्रार्थना भगवान से है। जय श्री राम। इस तरह से पंडित जी थे रत्नाकर सर जी, दो बहुत महत्वपूर्ण बातें पंडित जी ने कही थी स्वप्निल, पंडित जी ने जो बातें कही महिलाओं के बारे में, तो श्रीराम से की जीवनी से अगर हम इसका जो है एक अनुकरण की बात करें तो एक अहिल्या का उद्धार, शबरी के बेर और स्वयं उनकी जो श्रीराम जी की जो अर्धांगिनी रही है सीता जी, ये इनका जो सम्मान श्री राम जी ने किया था हमेशा, और उन्होंने एक आदर्श पति और आदर्श एक पुत्र और सभी का जो स्त्री जाति का उन्होंने सम्मान करते हुए अपने खुद को उन्होंने जो 14वां साल का जो वनवास और कितना त्याग की जो मूर्ति थी, तो कहीं ना कहीं इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छी बात पंडित जी ने कही है। जी 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 सर। सर अभी हम थोड़ी देर में और आपसे कनेक्ट हो जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे स्वप्निल बुंदाड़ी जी जो कैमरा पर्सन सुभाष के साथ में पुद्दारेश्वर राम मंदिर में मौजूद थे, ऐसी किसी क्षेत्र की और घटना हम आपके सामने जो वो जल्लोष नागपुर में मना रहे उसको लेकर हमारे दर्शकों के समक्ष यहाँ पर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे, आप हमारे साथ में बने रहे NBC News पर। नमस्कार।